पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक विश्वास सारंग ने बजट को लेकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में समानांतर एक भ्रष्टाचार की इकोनॉमी चल रही है, जिसकी वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, कमलनाथ सरकार में तबादला उद्योग चलाया जा रहा है। विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एक समानांतर इकोनॉमी चला रही है, जिसकी वजह से सरकार का बजट गड़बड़ाया हुआ है। सरकार में रेवेन्यू के माध्यम से पैसा आता है, अगर शराब माफिया खनन माफिया अवैध रूप से कारोबार करेंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। कांग्रेस ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए ये माहौल बनाया है कि खजाना खाली है। सारंग ने कहा कि ये राजा महाराजा का खजाना नहीं है, लोकतंत्र में राजस्व आता है और उस राजस्व के साथ विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। कमला सरकार ने ना तो किसानों का कर्ज माफ किया, ना कन्या विवाह की राशि दी, ना ही बेरोजगारों को रोजगार दिया। कमला सरकार ने अपने कोई भी वचन नहीं निभाए। कांग्रेस मात्र दलाली कर रही है, तबादला उद्योग चलाया जा रहा है और माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार में मात्र छिंदवाड़ा का ही विकास किया जा रहा है। क्या प्रदेश केवल छिंदवाड़ा तक ही सीमित रह गया है? मैं पहले से कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में सरकारी बजट पर अब आप ध्यान मत दीजिए। सरकार और कांग्रेस के दलाल जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। उस समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अवैध उत्खनन, तबादला उद्योग, हवाला उद्योग, शराब माफियाओं को संरक्षण और केवल भ्रष्टाचार, इसके कारण समानांतर इकोनॉमी के कारण, समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की मूल अर्थव्यवस्था डिरेल हो गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।